बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन की भेड़िया पड़ रही कमजोर, सातवें दिन महज इतने कमाए। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। अमर कौशिक की डायरेक्शन में बनी हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया 25 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। वरुण धवन और कृति सेनन स्टारर फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म ने ओपनिंग डे और फर्स्ट वीकेंड पर ठीक ठाक कलेक्शन किया, लेकिन उसके बाद फिल्म की कमाई की रफ्तार में लगातार गिरावट आती जा रही है। दूसरे हफ्ते में फिल्म 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। चलिए जानते हैं भेड़िया ने सातवें दिन कितना कलेक्शन किया है। भेड़िया को उम्मीद के मुताबिक कलेक्शन नहीं मिल पा रहा है और हर दिन कमाई में गिरावट आती जा रही है। बता दें कि फिल्म ने पहले दिन जहां 7,47,00,000 रुपए का बिजनेस किया था, वहीं रिलीज के दूसरे दिन भेड़िया ने 9,57,00,000 रुपए कमाए। तीसरे दिन रविवार को भेड़िया ने 11,05,00,000 की कमाई की। फिल्म के चौथे दिन की कमाई 3,85,00,000 रही, जबकि पांचवें दिन भेड़िया ने 3,45,00,000 रुपए कमाए। छठे दिन यानी बुधवार को भेड़िया ने 3,20,00,000 रुपए का बिजनेस किया। वहीं सातवें दिन की कमाई का आंकड़ा भी आ गया है। भेड़िया ने गुरुवार को 3,15,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही अब फिल्म की कुल कमाई 42,21,00,000 रुपए हो गई है। भेड़िया 60 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई है। अब तक की कमाई का ग्राफ देखा जाए तो फिल्म 7 दिन में 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। ऐसे में अब सेकेंड वीकेंड पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में फिर उछाल आएगा और ये अपने बजट को वसूल कर लेगी। फिल्म में वरुण धवन के अलावा कृति सेनन, दीपक डोबरियाल और अभिषेक बनर्जी ने अहम रोल प्ले किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने राय कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें और इसी प्रकार की ट्रेंडिंग न्यूज जानते रहने के लिए ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।